मीडियम साहब के आवास के पास से होते हुए बुनियाद केंद्र पर जाकर यह प्रवास मेरी खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ आप जो है हम लोग चलें। तो इसी को हमारे अपने समाज के विचारधारा में समाज के धारा में जोड़ने को अंतर्राष्ट्रीय के रूप में ये मनाया जा रहा है और हर साल हमारे देश में भी करीब बहुत अधिक प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। ये 14वां लगातार इन कंसिक्वेंस 14वां माना जाएगा, इसको 14th अवेयरनेस डे है। ऑटिज्म से बहुत बड़ी संख्या में पूरे वर्ल्ड वाइड है, न कि हमारे केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया में भी करीब देखा जाए तो 7 लाख 8 लाख से ऊपर बच्चे प्रभावित हैं पूरे, और इसकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। तो इसमें जेनेटिक भी होता है और ऐसे से बाद में भी डेवलप कर जाता है, तो इसलिए उसको भी हमारे समाज की विचारधारा में, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का संकल्प है। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि ऑटिज्म अफेक्टेड पर्सन को अपने मुख्य धारा में, क्योंकि जो ऑटिज्म अफेक्टेड पर्सन होते हैं उनकी एक एबिलिटी, उनकी एक ये डिसेबिलिटी यदि आप मानते हैं तो बहुत सारी उनकी एबिलिटीज़ होती है। बहुत अच्छा अच्छा वो काम करते हैं, बहुत बड़े म्यूजिशियन भी हो जाते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो वैसे चीज़ों को हाईलाइट करके उन्हें मुख्य समाज धारा में जोड़ना आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये जागरूकता के लिए है कि लोग अब इसे ऑटिज्म के संबंध में समझें। बहुत कम लोग, सोसाइटी के लोग इसको जानते हैं। इस कार्यक्रम में कैसे लोग सर शामिल हुए हैं और कैसे लोग प्रभात फेरी निकाल रहे हैं? ये बिहार सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा यह स्पॉन्सर किया हुआ था कि एक समाज कल्याण के द्वारा कि ये प्रभात फेरी के रूप में लोगों को जागरूकता फैलाई जाए और बाकी हम लोग सारा नॉर्म्स को, कोविड के नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। थैंक यू सर।